मैं हूँ एकता चौधरी। चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड की बड़ी खबरें। बॉलीवुड की विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन ने पोनियन सेल्वन के एक सॉन्ग के लिए 400 जूनियर आर्टिस्ट के साथ शूटिंग की है। सूत्रों ने बताया कि फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए का है। वहीं विद्युत जमाल ने डिजाइनर नंदिता मेहतानी के साथ सगाई कर ली। इस जोड़ी ने 1 सितंबर को ही सगाई की थी, लेकिन इसकी घोषणा अब जाकर की है। सनी कौशल और राधिका मदान की आगामी फिल्म सिद्धत का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो ही गया, जिसे देखकर फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सिद्धत के ट्रेलर में सनी कौशल और राधिका मदान के बीच प्यार में सिद्धत वाला पागलपन देखा जा सकता है। तापसी पन्नू की फिल्म रश्मि रॉकेट के मेकर्स कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद चीजों के सामान्य होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सिनेमाघरों के हालात को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म को सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का करारा फैसला लिया है। दशहरे के मौके पर विकी कौशल की सरदार उधम सिंह भी अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रीमियम होने वाली है। दोनों फिल्मों की संभाविता रिलीज की तारीख 15 अक्टूबर ही है। तारक मेहता के एक्टर टप्पू यानी राज ने बबीता जी को लेकर सोशल मीडिया पर अफेयर की खबरों को लेकर नाराजगी जताई है। राज ने एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट पर लिखते हैं कि जो भी लोग मेरे बारे में कुछ लिख रहे हैं, जरा सोचिए कि आप इन बनावटी खबरों के कारण मेरी जिंदगी पर क्या असर डाल रहे हैं। बिना मेरी राय जाने आप लोग मेरे बारे में कुछ भी लिख रहे हैं। जो भी क्रिएटिव लोग मेरे बारे में लिख रहे हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी कहीं और दिखाएं। भगवान उन लोगों को थोड़ी समझदारी दें।